धूप की क्यों की गई? धूप एक छोटी सी पोस्ट वॉर फिल्म है, पोस्ट कारगिल फिल्म है। वैसे मैं इसे वॉर फिल्म कहता हूँ, पोस्ट वॉर इसलिए है क्योंकि मेरी कहानी कारगिल के युद्ध के बाद शुरू हुई थी और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। अनुज नय्यर जो कारगिल में शहीद हुए थे, ये उनके माता पिता की कहानी है। अनुज की शहादत के बाद एक शहीद के माँ बाप को इस समाज से, इस सिस्टम से क्या मिला, अपने बेटे को जिंदा रखने की लड़ाई है, उसके मिले मान सम्मान को बचाने की लड़ाई है। और मुख्यतः तीन किरदारों की कहानी है जो ओमपुरी, रेवती और गुलपनाग इसमें निभा रहे हैं। संजय सूरी अनुज नय्यर का किरदार प्ले कर रहे हैं, जिनके मान सम्मान को बचाने के लिए तीन किरदार लेते हैं। फिल्म का टाइटल धूप है, तो ये किस तरह आपने सोचा कि धूप मेरी कहानी मेनली चूँकि एक शहीद के माता पिता की कहानी है, जब उनकी ज़िंदगी में उनका अकेला बेटा जो है वो चला जाता है और उसके बाद उन्हें अपने ही लोगों से बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। मुझे लगता है कि सीमा पर युद्ध लड़ना भी बहुत कठिन काम है, जो लोग वहाँ लड़ते हैं वो नायक होते हैं, लेकिन मुझे लगा कि अनुज नय्यर के माता पिता ने जो लड़ाई लड़ी, या जो रोल गुलपनाग प्ले कर रही है पीयू का, उस लड़की ने जो लड़ाई लड़ी वो लड़ाई ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि जब आप सीमा पर लड़ते हैं तो आपको पता होता है आपका दुश्मन कौन है, यहाँ अपने लोगों से एक लड़ाई लड़ी। तो लेट 50s में एक कपल है जिन्होंने अकेला बेटा अपना खो दिया है देश के लिए, तो उस लड़ाई में जिस तरह का तेवर था, जिस तरह के पड़ाव थे, शायद जैसे सुबह की धूप आपको ठंडक देती है, दोपहर की धूप आपको जुलसा देती है, और जब शाम ढलती है तो अपने साथ एक अकेलापन लेकर के आती है, तो जिस तरह के शेड्स धूप में, उसी तरह के शेड्स उनका जो सफ़र है लड़ाई का, उसमें थे। और इसलिए मुझे लगा कि इस फिल्म का नाम धूप होना चाहिए। फिल्म की जिस तरह कास्टिंग की गई, तो क्या हमेशा से आपके मन में ये था कि आप यही कैरेक्टर को लाना चाहेंगे? नहीं, जब मैंने पहली बार अनुज नय्यर के पिता को टेलीविज़न पर देखा और ये तय किया कि मैं उन पर एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो जो सबसे पहला नाम एस के नय्यर का रोल प्ले करने के लिए मेरे दिमाग में आया था, वो ओम जी का ही था। इसके दो कारण हैं, पहला तो ये कि ओम जी के मुकाबले का दूसरा परफॉर्मर इस वक्त हमारे पास नहीं है, जिस तरह के वर्सटाइल एक्टर, जिस तरह के इंटेंस एक्टर ओम जी हैं, जिस तरह का पेन उनकी आंखों में है और जो तेवर वो दे सकते हैं उस लड़ाई को, वो तो थे। उसके अलावा मुझे लगा कि एक ख़ास किस्म के पैशन की, एक ख़ास किस्म के कमिटमेंट की ज़रूरत थी इस रोल को, इस किरदार को जीवित करने के लिए पड़े, वो ओम जी में है। ओम जी, जब मैं ओम जी से मिला या जितना मैं उन्हें जानता हूँ, तो मुझे लगा कि वो उसी मिट्टी के बने हुए, जिस मिट्टी का वो आदमी है जिस पर मैं फिल्म बना रहा हूँ, इसलिए फिल्म में ओम जी से एक्ट कोई दूसरा एक्टर हो नहीं सकता था। और रेवती के साथ भी यही है, रेवती बहुत लंबे समय के बाद दोबारा फिल्म कर रही है, लेकिन जिस तरह से सब्जेक्ट सुनने के बाद वो मूड थी, जिस तरह का पैशन कमिटमेंट रेवती में था, मुझे लगा कि ओम और रेवती एक बूढ़े माँ बाप जिन्होंने अपना बेटा खोया है, उसके दुख को, उसके अकेलेपन को, उसके पेन को तो निकाल करके लाएंगी, साथ के साथ जो लड़ाई वो लड़ेंगे उसमें वो दोनों, मुझे लगा कि एक्टर संजय अनुज का किरदार प्ले कर रहे हैं। और संजय, मैं समझता हूँ कि इस पीढ़ी में जो संजय की पीढ़ी एक्ट्रेस की हमारी, उसमें बहुत इंटेलिजेंट एक्टर है, मैंने बहुत इंटेलिजेंट एक्ट्रेस के कहता हूँ, क्योंकि जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट संजय को सुनाई थी तो मैंने संजय को कहा था कि देखो ये फिल्म जो है वो तुम्हारी मौत के बाद शुरू होगी, एंड दिस नॉट योर फिल्म, ये ओमपुरी की फिल्म, ओमपुरी मेरे फिल्म में एक्टर है। लेकिन सब्जेक्ट सुनने के बाद संजय ने मुझे कहा कि ये फिल्म ओम की नहीं है, ये फिल्म मेरी है, क्योंकि संजय फिल्म में जहाँ नहीं है वहाँ भी संजय है, और सारी फिल्म संजय सूरी के आसपास ही घूमती है, क्योंकि संजय सूरी को ही जिंदा रखने की लड़ाई है। और इसलिए संजय फिल्म इस समय क्या शौक है? आज एक गाना करें हम लोग, ये फ्लैशबैक का गाना है, जो एकमात्र लव सॉन्ग है मेरी फिल्म में, जो संजय सूरी और गुलपनाग के हम लोग कर रहे हैं, और गुलपनाग उस लड़की का रोल प्ले कर रही हैं जिनकी शादी संजय से होनी थी और जो बाद में बहुत एक अहम किरदार निभाती हैं, संजय के माता पिता की लड़ाई में अंत तक उनका साथ देती हैं और उनका एकमात्र सपोर्ट सिस्टम है मेरी फिल्म। तो ये फ्लैशबैक एक लव सॉन्ग है जो मेरा फर्ज ने लिखा है, हरिहरन श्रेया घोषाल ने गाया, रवि सिंह का म्यूजिक, वो गाना शूट कर रहा है। फिल्म कहाँ तक आप कंप्लीट कर? फिल्म अभी हम लोगों ने सिर्फ एक शेड्यूल किया है दिल्ली में बड़ा शेड्यूल, क्योंकि फिल्म जो है वो कहानी दिल्ली की है, दिल्ली में एक बड़ा शेड्यूल हम लोग करके आए, मुंबई में इस महीने आज ही शूटिंग शुरू हुई है, इस महीने के अंत तक हम लोग लगातार शूट कर रहे हैं और अप्रैल के पहले हफ्ते में कुछ दिन शूट करेंगे। अब तो फिल्म आप कब तक रिलीज करेंगे?
July 1st.